प्रख्यात बोटाद गढ़ा में प्राथमिक सुविधाओं ने लईने लोग त्राहीमाम पुकारी उठ्या छे। शहर में रोड रस्ता सहित ट्राफिक और पानी की समस्या ने लईने लोग छेल्ला अनेक समय थी फरियाद करी रह्या छे। गढ़ा थी गढ़ाड़ी लींबाड़ा ने थईने भावनगर जवानो रस्तो छेल्ला अनेक वर्षो थी बिस्मार हालत में छे। रस्ता समारकाम माटे गामना आगेवानो द्वारा अनेक बार रजूआत करवा छता तंत्र द्वारा कोई कार्यवाही न कराता लोकोने हालाकी भोगवानो वारो आव्यो छे। दररोज वाहन चालकोनी हालाकीने लईने तात्कालिक रस्तो बनावानी मांग कराई छे। जो रस्तो बनावामां नहीं आवे तो आवनारा दिवसोमां आंदोलन करवानी वाहन चालकोए चीमकी उच्चारी हती। आ जो बात करिए तो जे गढ़ा थी आपणे भावनगर जवानो रस्तो छे, मेन रस्तो आवेलो छे अने गढ़ा स्वामीनारायण धाम छे अने विश्व लेवले प्रख्यात छे। अहींया हजारों हरिभक्तो गढ़ा आवता होय छे अने ज्यारे हजारों भक्तो अहींया आवता होय अने भावनगर जवा माटे आ गढ़ानो मेन मार्ग छे, धोरी मार्ग डबल पट्टीनो रोड छे, पण घणा समयथी हाव तूटी गयेलो छे। वाहन कई रीते चलावुं, अकस्मात थाय एवी पोजिशन छे, मोटा मोटा खाड़ाओ पड़ी गेला छे अने वाहन चलावी शकाय एवी पोजिशन नथी। तो अगाउना समयमां पण घणी वार अमे रजूआत करी छतां आज दिवस सुधी आ तंत्र नु पेट नु पाणी हलतु नथी अने आ रोड जे छे, जे धोरी मार्ग छे, तेने रिपेर करवामां आवतो नथी के नवो बनावामां आवतो नथी। तो अमारा बधा लोकोनी एक ज मांग छे के झडपथी अहींया यात्राळु आवता होय, लोकोने खूब मुश्किली पड़ती होय तो झडपथी आ कार्यक्रम करवो, रोड रिपेर करवामां आवे अथवा तो नवो बनावामां आवे। आज रस्तो रह्यो ए गढ़ा भावनगर हाईवे रस्तो छे अने बहु ज्यादा समय थी आ रस्ता नी हालत बहु खराब छे। तो अमारी सरकार पासे एक ज मांग छे, तात्कालिक धोरणे आ रस्ता ने रिपेर करे अथवा नवो बनावे, अने जो नहीं करे तो अमे वाहन चालको ने साथे राखी अने उग्र आंदोलन पण करशुं। एकदम हालत खराब छे, हाव एटले हाव वधारे मोटा मोटा खाड़ा पड़ी गया छे अने सरकार ने तंत्र मां वारंवार रजूआत करी छतां पेट मां पाणी हलतुं नथी। बोटाद जिल्लानो सौथी मोटो तालुको गणातो एटले के गढ़ा अने समग्र विश्वना फलक उपर एक यात्राधाम तरीके नाम होय એટલે કે ગઢડા સ્વામિનારાયણ, પરંતુ ક્યાંક ને ક્યાંક પ્રાથમિક સુવિધા જે આ ગઢડા વંચિત હોય એવું લાગી રહ્યું છે। હાલ હું કેમેરામેન કહીશ કે આ દ્રશ્ય દેખાડશે। ગઢડાથી ભાવનગર જવાનો જે મુખ્ય ધોરીમાર્ગ છે એ છેલ્લા કેટલાય વર્ષોથી ખખડતા જ હાલતમાં છે અને આ સમગ્ર રસ્તા ઉપર મોટા પ્રમાણમાં મસ્ત મોટા ખાડાઓ પડી ગયા છે, જેના કારણે વાહન ચાલકોને મોટી તકલીફ પડી રહી છે અને હેરાન પરેશાન થઈ રહ્યા છે। ત્યારે વાહન ચાલકોએ અનેક વાર તંત્રને રજૂઆતો પણ કરી છે, તેમ છતાં આ તંત્રના પેટનું પાણી હલતું નથી ને હજી સુધી આ રસ્તો બનાવવામાં નથી આવ્યો। ત્યારે વાહન ચાલકોની પણ માંગ છે કે તાત્કાલિક અસરથી આ રસ્તો બનાવવામાં આવે, નહીતર આવતા દિવસોમાં ઉગ્ર આંદોલન પણ કરવાની ચીમકી ઉતારી છે। રાજુ વારૈયા, વીટીવી ન્યૂઝ, બોટાદ।